अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड हेल्दी। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं और हम बिल्कुल जो बेसिक्स होती हैं एक्टिव और पैसिव की, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज अभी हम वो सारे रूल्स करेंगे जो हम थ्रू आउट द टेंसेस, सब टेंसेस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाद में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और स्टेप बाय स्टेप हम सारे टेंसेस को भी एक्टिव और पैसिव के अंदर कवर करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक्स जो हैं एक्टिव और पैसिव की वो करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। दैट वाइल कंसल्टिंग डिक्शनरी यू वुड हैव सीन दैट देयर इज रिटन टी आर आई इन फ्रंट ऑफ सम वर्ब्स, ठीक है। जब आप डिक्शनरी में से कोई मानी तलाश कर रहे होते हैं तो आपने कुछ वर्ब्स को देखा होगा, किसी के सामने टी लिखा हुआ होगा और सम वर्ब्स के आगे आई लिखा होगा, दे मीन एज अंडर, ठीक है। मैं आपको उनके हवाले से डिटेल से बता देती हूँ। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजिटिव वर्ब्स और आई स्टैंड्स फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। अ ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, अदरवाइज द सेंटेंस रिमेन्स वेग और मीनिंगलेस, ठीक है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट का आना लाजमी होता है, अदरवाइज जो आपका सेंटेंस होता है वो वेग जो होता है उसे गैर वाज़े कह लें या मुबहम कह लें, और मीनिंगलेस बेमानी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ही राइट्स, वो लिखता है, ये एक वेग सेंटेंस है, हमें क्या पता है कि वो क्या लिखता है। सो ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला गैर वाज़े है, लिहाजा जुमले को मुकम्मल तौर पर वाज़े करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये वाला जो हमने सेंटेंस लिखा है ये एक कंप्लीट और कंप्लीट सेंटेंस है। हम देख लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर, इट कुड बी अ स्टोरी प्ले फिक्शन अ नोवल, इट कुड बी अ हिस्टोरिकल प्ले और बुक। सो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट इसके बाद लास्ट में बताना है क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम इन ट्रांजिटिव वर्ब को भी देख लेते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। इन ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसका मतलब जो होता है वो वर्ब से ही हमें पता चल रहा होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल शी वीप्स, वो रोती है, ठीक है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। हेयर यू हैव टू नोट समथिंग दैट वाइल चेंजिंग द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस टेंस में चेंज कर रहे होते हैं, तब्दील कर रहे होते हैं, बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर be replaced by each other। तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं। हैंस इट मेक्स क्लियर, लिहाजा वाजे होता है दैट पैसिव वॉइस कैन बी फ्रेम फ्रॉम ट्रांजिटिव वर्ब ओनली। तो यहाँ से वाजे हुआ कि हम सिर्फ जो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं उनको सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब जहाँ पे हो वहीं स्ट्रक्चर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब से पहले हमें इसके ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट लाजमी चाहिए होता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, और पैसिव वॉइस को बनाने के लिए भी ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। लिहाजा हम ट्रांजिटिव वर्ब जहाँ पे हो उन फिक्रों के बाद, चूँकि ऑब्जेक्ट होता है, उसी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द वर्ब विच हैज़ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। नो पैसिव वॉइस कैन बी मेड ऑफ द इंट्रांजिटिव वर्ब एज इट हैज़ नो ऑब्जेक्ट। तो हम पैसिव वॉइस इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब से नहीं बना सकते क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ये था ट्रांजिटिव वर्ब वाला फिक्रा, ये इसका एक्टिव वॉइस था। ए स्टैंड्स फॉर एक्टिव, बी फॉर वॉइस एंड पी स्टैंड्स फॉर पैसिव एंड वी फॉर वॉइस। जो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका शी वीप्स, वो रोती है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता क्योंकि वीप जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट उर्दू सेंटेंसेस विदाउट एनी ऑब्जेक्ट आर ट्रांसलेटेड इन पैसिव वॉइस। अगर आपके उर्दू के कुछ फिक्रे हैं और वहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया गया तो इसका मतलब है कि वो आपके पैसिव वॉइस में ही ट्रांसलेट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल खत लिखा जाता है, अ लेटर इज़ रिटन। अब आगे फाइव रूल्स हैं।
फाइव रूल्स टू चेंज एक्टिव वॉइस इंटू पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस को हम किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, सब सेंटेंसेस में किन रूल्स को हमने मद्देनज़र रखना होता है, तो हम पहला रूल देख लेते हैं. सब्जेक्ट इज़ रिप्लेस्ड विद ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विद सब्जेक्ट. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हम सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट की जगह पर हम सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं. द सेकेंड पॉइंट इज़ ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज इन पैसिव वॉइस. चाहे फिकरा किसी भी टेंस का हो, आपने अगर उसको पैसिव वॉइस में आप चेंज कर रहे हो तो आप वहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करोगे, बिकॉज दिस इज़ अ ग्रामर रूल, वी कांट चेंज दिस. थर्ड पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो आप हेल्पिंग वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द टेंस इस्तेमाल करेंगे बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले लिखना है. फोर्थ पॉइंट आपका है व्हेन सब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे ले जाते हैं, इट्स ऑब्जेक्टिव केस इज़ यूज, तो हम इसका ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे. इट इज़ देन कॉल्ड एजेंट, और तब ये एजेंट कहलाएगा. नंबर फाइव आपका पॉइंट है बाय इज़ यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट आर एजेंट फ्रेम्ड फ्रॉम सब्जेक्ट. बाय जो है आप ऑब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे, या फिर हमने जो एजेंट सब्जेक्ट से फ्रेम किया हुआ होता है उससे पहले, दोनों एक ही बात है. अब हम जहां हमने सब्जेक्टिव केसेस और ऑब्जेक्टिव केसेस की बात की है, तो हम देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव केसेस कौन से होते हैं. आई वी दे यू ही शी, ये आपके सब्जेक्टिव केसेस होते हैं. और जो आपके ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं अस मी यू देम हिम हर, ये आपके ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं. यहाँ बात एक बात आपने नोट करनी है दैट द रिमेनिंग पार्ट आफ्टर ऑल द चेंजेस इज रिटन द सेम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. जो हमने रूल्स फॉलो करने होते हैं उनके बाद हम जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं और हम बाय का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जब हम सारा प्रोसेस कर लेते हैं ऑब्जेक्ट तक और जो उसका रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, उसका बाकी हिस्सा रह जाता है, हम उस सेंटेंस को वैसे का वैसा ही लिखते हैं. फॉर एग्जांपल, फॉर एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है आई डू माय ड्यूटी वेरी केयरफुली. तो यहाँ पे मैंने आपने देखा होगा वेरी और केयरफुली को अंडरलाइन किया है, क्योंकि ड्यूटी तक आपका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है और बाकी जो आपका ये रिमेनिंग पार्ट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि हमने इसको पैसिव वॉइस में वैसे ही लिखना है. फॉर एग्जांपल, जब हम इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर रहे हैं माय ड्यूटी इज़ डन बाय मी, यहाँ तक तो आपने ऑब्जेक्ट तक जितना भी प्रोसीजर करना था, थर्ड फॉर्म लगानी थी, बाय लगाना था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना था, और उसका जो भी ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल कर रहे थे सारे रूल्स हमने फॉलो कर लिए. उसके बाद ये था रिमेनिंग पार्ट वेरी केयरफुली, जिसको हमने वैसे का वैसा ही एंड पे लिख दिया है. ठीक है, अब हमने कुछ और रूल्स करने हैं रिगार्डिंग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. तो फर्स्ट रूल, मैंने इसको रूल नंबर 1 लिखा है. सो द फर्स्ट रूल इज़ नॉट एनी इन द एक्टिव वॉइस इज़ रिप्लेस्ड विद नो एंड इज़ रिटन इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, अगर फिकरे में आप एक्टिव वॉइस का आपका सेंटेंस है और आपने वहाँ पे नॉट एनी का इस्तेमाल किया है, तो जब आप फिकरे को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे होंगे तो आपने नॉट एनी को नो के साथ चेंज करना है और आप इसको बिल्कुल स्टार्ट पे ले जाएंगे. फॉर एग्जांपल, ही डिड नॉट राइट एनी लेटर, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था, यहाँ पे नॉट भी है और एनी भी है. जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो नॉट एनी को हमने नो के साथ रिप्लेस किया, नो लेटर वॉज रिटन बाय हिम, और हमने पैसिव वॉइस में जब इसको चेंज किया है तो हम बिल्कुल इसको स्टार्ट में ले गए हैं. रूल नंबर 2 इज नॉट इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंसेस. आप किसी भी टेंस का फिकरा नेगेटिवली ट्रांसलेट कर रहे हों तो आपने नॉट का इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ही डज नॉट टेक टी, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. हम उसको जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम कहते हैं टी इज़ नॉट टेकन बाय हिम, हमने हेल्पिंग वर्ब इसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया. रूल नंबर 3 इज नो पैसिव वॉइस इज फ्रेम्ड फ्रॉम द सेंटेंस वेयर बीइंग ऑलरेडी एग्जिस्ट. कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस हम नहीं स्ट्रक्चर कर सकते जहाँ पे बीइंग ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ है.
अगर फिक्रे में बीन ऑलरेडी है तो उस फिक्रे का पैसिव वॉइस नहीं बनता. दिस इज़ अ ग्रामर रूल. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग. इस सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते. ठीक है, नंबर फोर पे आपका रूल है, हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज बिफोर द सब्जेक्ट टू मेक इंट्रोगेटिव. हेल्पिंग वर्ब जो है आपने सब्जेक्ट से पहले लगाना है, तो आपका जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिवली फॉर्मुलेट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, डज ही राइट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. व्हेन वी विल ट्रांसलेट इट इनटू अ पैसिव वॉइस, वी विल राइट इट एज इज अ लेटर रिटन बाय हिम. तो ये पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट हो गया. ये मैं आगे फर्दर आपको बता दूंगी जब हम स्टेप बाय स्टेप टेंसेस करेंगे, कि हम ये फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमने एक सेंटेंस लिखा है एक्टिव वॉइस का, और जब हम इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं तो डू और डज की जगह पे इज़ एम या आर का इस्तेमाल होता है. तो फर्दर मैं आपको मज़ीद स्टेप बाय स्टेप गाइड करती जाऊँगी. आई होप इट विल मेक सेंस टू यू. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रिगार्डिंग जितने मैंने आपको रूल्स बताए हैं, आई होप कि आपको समझ आ गए हों. प्लीज़ वीडियो को दोबारा से एक दो दफ़ा देखें ताकि आपको ये बेसिक बातें जो हैं ये पता चलें. ठीक है स्टूडेंट्स, इन रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें. जब आपको ये बेसिक्स पता होंगी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, तो आप इजीली किसी भी टेंस के हों उनको ट्रांसलेट कर लेंगे. स्टे सेफ, थैंक यू सो मच.